And ये जो है फ्रॉम so, आप लोग लो लो मेरे चैनल पे न्यू है फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा साथ साथ मेरे नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा सो so दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊ आप लोगों से मेरे कोई भी वीडियोस मिस नहीं हो थ्रू नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहे एंड आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर तो वैसे तो मैंने इन सारी टी शर्टों को काफी टाइम पहले ही परचेस कर लिया था एंड मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ये टी मिल गए थे जब आजियो पे सेल चल रहा था तो एंड बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी बिकॉज थोड़ा सा कुछ इश्यूज था उस करके बट येस yes, अब मैं रेगुलर रहूंगी अपने चैनल पर तो ये जो नॉ टी शर्ट्स मैंने अजियो से परचेज करा बहुत ही रिजनेबल प्राइस में परचेज किया ट्रस्ट में गाइज इतने कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलने वाला टी शर्ट तो चलिए एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि समर के लिए मैंने कौन कौन से टी शर्ट इस बार परचेज करे हैं सबसे पहले येलो येलो डटी फैलो येलो कलर से स्टार्ट करते हैं ये देख सकते हो ये येलो मस्टर्ड कलर की टी शर्ट है एंड सारे ही ये कैजुअल टी शर्ट्स है जिसको आप लोग डेली वियर कर सकते हो घर में वियर कर सकते हो एंड जो लोग अगर ऐसे ट्राउजर्स वगैरह के साथ टी शर्ट्स वियर करना पसंद करते हो उनके लिए भी है या फिर अगर आप लोग जिम जाते हो तो भी वहां पर इस टी शर्ट्स को वियर कर सकते हो मीन्स आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे वियर करना है तो ये देख सकते हो ये मस्टर्ड कलर की टी शर्ट है इसके ऊपर लिखा हुआ होप केयर लव ब्लैक कलर में एंड स्टफ की बात करूँ तो स्टफ तो आप लोग जानते हो और जियो का बहुत ही अच्छा होता है इतना सॉफ्ट समर के लिए काफ़ी अच्छा वाला स्टफ है एंड अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस तो देख सकते हो इसमें दो सौ निन्यानवे लिखा हुआ बट ये मुझे वन फिफ्टी या वन सिक्सटी कुछ में रिसीव हुआ है तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे ये टी शर्ट्स मिल गया एंड ट्रस्ट मी गाइज जब अजियो पे सेल चलता है ना उस टाइम पे आप लोग अगर टी शर्ट परचेज करोगे ना तो आपको इतने कम प्राइस में मिल जाएगा ना कि मार्केट में भी नहीं मिलने वाला इतना कम प्राइस में आफ्टर डेट देख सकते हो मैंने ये एक पिस्ता ग्रीन कलर की टी शर्ट्स को परचेज किया है एंड इसके ऊपर ये वाइट कलर का कुछ इम्बेलेंस्ड किया हुआ है देख सकते हो एंड स्टफ की बात करूँ तो ये स्टफ काफी अच्छा है सॉफ्ट मटेरियल है इसकी एंड ये भी राउंड नेक है देख सकते हो ये ऐसे राउंड नेक जाएगा एंड इसकी जो बाजू है ये यहाँ तक आएगी नॉर्मली जो मैंने अभी टी शर्ट वियर किया है ना बिल्कुल वैसा ही लेंथ नॉर्मल टी शर्ट्स वाला ही सारा इसका लेंथ है प्राइस की बात करूं तो प्राइस देख सकते हो दो सौ निन्यानबे है बट ये मुझे एक सौ अस्सी में मिला था तो एक सौ अस्सी में मैंने एक्सेल साइज लिया है जो कि काफी अच्छा है स्टफ बहुत ही कंफर्टेबल ठंडा वाला स्टफ है तो समर में आप लोग इस टी शर्ट को रफ एंड टफ तरीके से वियर कर सकते हो एंड लाइट कलर है समर में बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कलर्स जब हम लोग वियर करते हैं तो एंड साथ में डार्क uh, कलर क्या होता है कि वो धूप को थोड़ा अट्रैक्ट करता है तो लाइट्स कलर ये थोड़ा सा आपको समर में बहुत अच्छा रहेगा आफ्टर डेट एक और मैंने ये देख सकते हो ग्रीन कलर में ही टी शर्ट्स ली है एंड यस yes, इसकी साइज की बात करूं तो इसकी साइज भी सारे ही जो टी शर्ट्स है वो मैंने एक्सेल ही लिए हैं एंड ये देख सकते हो बॉटल ग्रीन सी ग्रीन उस कलर में है इसमें भी वाइट से कुछ कुछ लिखा हुआ है एंड ये जो है डी एन एम एक्स का टी शर्ट्स है ये मोस्ट प्रॉब्ली सारे डी एन एम एक्स के ही हैं येस एंड ये भी इतना ही है बाजू सारा ये हाफ वाला ही है एंड साथ, साथ में ये देख सकते हो बैक साइड में पूरा प्लेन है एंड राउंड नेक दिया गया है इसमें एंड मेरा साइज देख सकते हो एक्स एंड मुझे ना डी एन एम एक्स की टी शर्ट्स की स्टफ बहुत अच्छी लगती है मैं इसको बहुत ही अच्छे से वियर कर पाती हूँ एंड लॉन्ग टाइम तक एंड ये जो है मैं इस बार कुछ अलग अलग कलर्स परचेस करी हूँ बिकॉज समटाइम जब ब्रांड्स बोलते हैं ना कि अलग अलग कलर के टी शर्ट्स को वियर करने सो so दैट मेरे पास अवेलेबल हो इसीलिए मैं इस बार डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी टी शर्ट्स ली हूँ एंड कलर भी बहुत अच्छा है एंड इसको आप लोग आराम से कम्फर्टेबली लॉन्ग टाइम तक वियर कर सकते हो आफ्टर डैट देख सकते हो एक मैंने ये ब्लैक कलर की टी शर्ट ली है बिल्कुल इसी तरीके से देखो ये ब्लैक पे जैसे सिल्वर पे डिजनी लिखा हुआ है ना वैसे ये ब्लैक पे सिल्वर से मोर स्लीप मोर सनसेट ऐसे करके कुछ कोटेशंस लिखे हुए हैं एंड ये भी फ्रॉम द ब्रांड डी एन एम एक्स है साइज एक्सेल लिया है एंड ब्लैक टी शर्ट भी बहुत ही रॉयल लुक प्रोवाइड करती है इसको आप लोग किसी भी कलर के बॉटम के साथ वियर कर सकते हो बहुत ही सुंदर लुक जाएगा एंड एज यू ऑल नो ब्लैक कलर मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड इस टी शर्ट का प्राइस सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे बिकॉज ये टी शर्ट मुझे मिला है ओनली नाइनटी एट रुपीज में तो गाइज यू कैन इमेजिन इन नाइनटी एट रुपीज में मेरे साइज का टी शर्ट और क्या चाहिए गाइज तो जब भी आजियो पे सेल चले डेफिनेटली आप लोग भी ट्राई कीजिएगा आप लोग को काफी सारी चीजें वहां पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जाएंगे बट तो मैंने ये देख सकते हु बिल्कुल बबल गम बेबी पिंक वाली टी शर्ट परचेज करी है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल टी शर्ट है देख सकते हो मेरे ऊपर खिल भी बहुत रहा है एंड स्टफ़ की बात करूँ तो स्टफ़ काफ़ी अच्छा एंड इसमें जो साइज मैंने परचेज किया वो भी एक्सेल है फ्रॉम द ब्रांड डी एन एम एक्स एंड ये देख सकते हो बस यहाँ पे ही ऊपर थोड़ा सा ये मीन्स रबर प्रिंट पे डिफरेंट कलर की देख सकते हो ये कलर्स ऐसे डॉट डॉट करके दिया हुआ है एंड ओवरऑल पूरी टी शर्ट जो है वो प्लेन है टी शर्ट्स के साइज़ काफ़ी अच्छे इस बार आए हैं बिकॉज सम टाइम होता ना वो uh, कमर तक आता था बट ये आपको हिप्स को कवर करेगा उतना लॉन्ग है एंड ये जो टी शर्ट है इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो ये भी देख सकते हो दो सौ निन्यानवे लिखा हुआ इस पे एंड मुझे ये जो टी शर्ट है ये ओनली वन एटी सेवन में रिसीव हुआ है एंड सारे टी शर्ट्स के परचेज लिंक जो भी अगर अभी अवेलेबल होगी उसका मैं डाल दूंगी एंड आप लोग भी को भी अगर इसमें से कुछ टी शर्ट्स परचेज करना हो अपने लिए तो बिल्कुल परचेज कर सकते हो डेली वियर के लिए मुझे लगता है नाइन्टी एंड वन एट्टी समथिंग में अगर टी शर्ट मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए कुछ टाइम के लिए आप इसको बाहर पहन लो फिर घर में डेली यूज कर लो आफ्टर डेट अगेन मैं एक व्हाइट कलर का टी शर्ट परचेज की हूँ एंड ये जो टी शर्ट है ना बहुत ही क्यूटी प्यूटी टाइप की टी शर्ट है टीनेजर्स भी इसको बिल्कुल परचेस कर सकते बिकॉज इसका जो ये प्रिंट है ना बहुत ही बबली टाइप का प्रिंट है इसमें ये स्नूपी का पिक्चर बना हुआ है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे स्टफ़ समर के अकॉर्डिंग बहुत ही अप्रोप्रिएट है एंड इसकी अगर ब्रांड की बात करूँ तो फ्रॉम द ब्रांड फिग का पीनट्स का एक्सेल है एंड ये जो है प्राइस की बात करूँ तो तीन सौ निन्यानवे बट ऑफकोर्स आप लोग जानते हो थ्री नाइन्टी नाइन में तो मुझे मिला नहीं होगा टी शर्ट्स काफ़ी अच्छी है एंड वाकई क्वालिटी तो इतनी अच्छी ना इतनी अच्छी कि मैं क्या बोलूँ स्नूपी वाली टी शर्ट मुझे ओनली वन ट्वेंटी एट में मिला है मीन सोच भी नहीं सकते कि इतने कम कम प्राइस में इतनी सुंदर सुंदर टी शर्ट एकदम गर्ली प्रिंट वाली नॉर्मल भी बहुत ही अच्छा सारे टी शर्ट एंड अगेन मुझे एक ये गर्ली प्रिंट वाली टी शर्ट मैंने परचेज करी जिसमें मिनी बना हुआ है एंड बहुत ही क्यूट लग रही थी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ये टी शर्ट एंड ये फ्रॉम द ब्रांड डिजनी फिग का डिजनी का है एक्सल साइज है ये थोड़ा सा लाइट वाला बेबी पिंक होता है ना उस कलर में है देख सकते हो एंड प्रिंट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है क्यूट सा प्रिंट है तो मैं तो इसको भाई वर्कआउट वगैरह के लिए जाऊंगी तब इसको वियर करूँगी प्राइस की बात करूँ तो ये जो मिनी वाली टी शर्ट है ये मुझे ओनली वन में रिसीव हुआ है तो बहुत ही अच्छा ये टी शर्ट एंड साथ में इसका प्रिंट है ये पूरा मिनी वाला प्रिंट है जो कि बहुत ही प्रिटी लगेगा जब आप लोग इसको वियर करोगे तो एंड आफ्टर दैट अगेन मैंने एक और टी शर्ट परचेज़ किया है बट ये थोड़ा क्रॉप स्टाइल का टी शर्ट है जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है पता नहीं कुछ मेटलिक कलर है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है तो ये क्रॉप है तो अगर कोई टीन एजर्स वगैरह अपने साइज़ में इसको लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो ब्लैक कलर ओवरऑल एवर ग्रीन कलर है तो हर किसी पे अच्छा लगता है एंड ये जो टी शर्ट है ये भी फ्रॉम द ब्रांड डी एन एम एक्स का एक्सल साइज है इसकी बात करूँ तो ये मुझे एक में रिसीव हुई है ये क्रॉप वाली टी शर्ट तो क्रॉप टी शर्ट्स भी अभी काफ़ी ज्यादा ट्रेंड में है तो इसको भी आप लोग आराम से वियर कर सकते हो एंड स्टफ तो सभी का बहुत कमाल का अमेजिंग मैं तो बोलूंगा अगर आप लोग को इसमें से कुछ भी पसंद हो तो डेफिनेटली ले सकते हो बिकॉज सारे ही टी शर्ट्स के स्टफ बहुत अच्छे साथ में प्राइस बहुत रीजनेबल है आफ्टर डैट एक और मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट ली जिसमें देख सकते हो तो एक क्यूट सा मिनी एंड मिक्की बना हुआ है बीच में हर्ट है मैंने सोचा था इसको वैलेंटाइन पे वियर करूंगी बट मेरा वैलेंटाइन था ही नहीं यहाँ पे तो फिर मैंने इसको वियर ही नहीं करा है एंड इसके प्राइस की बात करूँ तो तीन सौ निन्यानवे बट ये मुझे एक सौ अट्ठाईस में ओनली रिसीव हुआ है ये वाइट कलर की टी शर्ट्स है बहुत अच्छा है मिक्की एंड मिनी का ओरिजिनल प्रिंट है इसके ऊपर किया हुआ एंड बहुत ही क्यूट लग रही है देखो तो ये कपल्स uh, वगैरह भी अगर आप लोग डेट पे जा रहे हो तो इस टी शर्ट्स को वियर कर सकते हो बहुत ही क्यूट सा लुक प्रोवाइड करेगा एंड ये भी फ्रॉम द ब्रांड डिज्नी का एक्सेल है एंड स्टफ सारे का बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली मैं आप लोग को बोलूँगा अगर आप लोग भी इन सारे टी शर्ट्स में से कोई भी टी शर्ट अगर लेना चाहते हो तो बिंदास जाके ले सकते हो जिसका भी मेरे को परचेज लिंक मिलेगा मैं सबका ही परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी तो आप लोग उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली जाके एजियो पे परचेज एजियो का समर टी शर्ट हॉल आई होप आप लोग को सारे जो नौ टी शर्ट्स मैंने परचेज करे हैं वो पसंद आए होंगे वीडियो पसंद आता है और वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा एंड ऐसे कॉन्टेंट लेके मैं बहुत जल्द मिलूंगी सो टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स